राम राम सारे भैया ने। एक प्रेमी भाई का फोन आया भाई, कोई मंदबुद्धि भाई मिल रहा है टोल टैक्स में, अभी चल रहे हैं उसके पास, वहाँ चल के आपको बताते हैं भाई कौन है कहाँ से है। ये भाई है भाई जो खो रहा है, मंदबुद्धि भाई है, ये टोल टैक्स पे है, केएमपी वाले टोल टैक्स पे। अभी इनके घर वालों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं भाई, फ़ोन किया अभी डेरा सचौदा हेल्पलाइन नंबर पे, पंजाब का है इतना पता लगा है, और गांव बता रहा भाई ये मुंडिया गांव। भाई भयो भाई कुछ बताने की हालत में नहीं है, इवन घर न लेकर चलेंगे, उड़े रोटी राटी खवा के बुझ जाए ये भाई, तो बुझ जाए भाई, कदे गुरदासपुर बताओ है, कदे मुंडिया बताओ भाई लुधियाने के पास। और भाई डर भी रहा है भाई थोड़ा सा, कितली आए भाई, डर सब बनने लग गया है भाई, उतारांगे भाई ने पर उतर नहीं रहा है वो भाई। प्यार तो बड़ी कोई चीज़ नहीं है, प्यार तो ट्रीट करोगे भाई का याद भी आ जाएगी, और आपके सामने इनके घर नहीं पहुँचावांगे, सिर्फ प्यार चाहिए है भाई थोड़ा सा प्यार, तो रोटी राटी खवा पिया गया है ना, कोई दो दवाई गोली दवाई देने की जरूरत नहीं, अगर थोड़ी तबीयत ख़राब है तो उस चीज़ की दवाई दे दो, वरना दवाई सब कुछ याद आ जाए है। दो एक दो दिन बाद अब भाई आज ले आए हाँ, कोशिश करांगे आज शाम ने रोटी राटी खवा के बढ़िया डाला, फिर पूछताछ करांगे। ये वो तरह है भाई, मुंडिया मुंडिया शेरे दे कोलों यार, मुंडिया जरा फरार नहीं होया उपर, मेरा यार मुंडिया जो हूँ बाहर आया मैं 40 40 दिन बाद, 40 दिन बाद बाहर नहीं आया मुंडिया तो 40 दिन बाद। भाई अपने डेरे का हेल्पलाइन नंबर है उस पर बात करा दिए भाई की, बाकी अभी भी कंफ्यूज है भाई, गोलगप्पे की इच्छा थी भाई की, गोलगप्पे लाए गोलगप्पे खवा दिए हैं भाई के, अब कितने दिन तक खू रहा है, कितने दिन तक भूखा है, इब सांझ होगी भाई सलाद का सामान ले लिया, इब घर न जाकर भाई से रोटी बनवा रखी है बट यार रोटी खावांगे उड़े, रोटी के खाने बाद फिर पूछताछ कराएं भाई। भाई साहब ने भाई कुछ बता नहीं पाया था, थक रहा था, केबरा कई दिन सोए हो गए थे तो रोटी खा कर सो गया था, बढ़िया नींद और बढ़िया रोटी खाने के कारण सुबह भाई ने थोड़ा सा फ्रेश माइंड में एक नंबर बताया था जो कि इनके लड़के का था, उस नंबर पर बात हो गई है भाई, और वो ये बामिया गांव का है भाई, और राजदीप दहिलवाल नाम है भाई का, इनके घर वाले भाई लेने आ रहे हैं, वहाँ से निकल पड़े हैं, अब जैसे इनके घर वाले आते हैं आपकी बात कराते हैं उनसे। इनके घर वाले आ गए हैं भाई, इनके भाई साहब आए हैं, इनका भतीजा आया है और लड़का आया है, इन्होंने उनके परिवार वालों से वीडियो कॉल भी कराई है, इनके फादर है भाई, उनसे बात करके भावुक हो गए हैं भाई, 4 दिन से भाई लापता था, रेलवे स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लापता हो गए थे, तो देख लो भाई भावुक हो गया भाई, अपनों से पिछड़ के मिलने का भाई देख लो कुछ अलग ही नज़ारा होता है, ये भाई 4 दिन में अपने परिवार से मिल रहे हैं, और इनको अपने पिता, ये इनके भाई हैं, इनके भाई भतीजे इनको लेने के लिए आए हैं, और बहुत ही खुशी की बात है, गुरुजी का लाख लाख बार धन्यवाद कर रहे हैं कि भाई गुरुजी की प्रेरणा से हम ये काम करते हैं और ये लोग इतनी जल्दी अपने पिता से मिल पाए, धन धन सदगुरु तेरा ही आशीर्वाद। ये मेरे पिताजी राजदीप सिंह, जो मैं इनका बेटा दानवीर सिंह, ये दिल्ली स्टेशन में मेरे से पिछड़ गए थे, और इन सब भाइयों ने जो हमको मिलवाया एक ही दिन में, मेरा उस बाबा जी के जो भक्त सब, मैं भी हूँ बाबा राम रहीम, तो इन्होंने सबको मिलाया, हमको मिलाया, हमको बहुत खुशी है कि हम एक दिन में तेरा यात्रा भाई। ये अपने राजदीप है भाई पंजाब से, जो 4 5 दिन से अपने घर से ला बताते हैं, और ये कैंपी पे घूम रहे थे अपने हाईवे पर टोल टैक्स पे, वहाँ एक पुलिस वाले भाई का फ़ोन आया कि भाई ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये कार्य हम हमारे गुरु जी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की प्रेरणा अनुसार करते रहते हैं भाई, ये 16वां परिवार है
जिसको हम इनके परिजनों से मिलवा रहे हैं और इनको हम लेके आए थे भाई कल शाम को मांडोटी गांव में अपने घर पे, और इनके थोड़ी कटिंग वटिंग करवाई भाई, इनके बाल भी बड़े हो रखे थे। ये रेलवे स्टेशन दिल्ली से लापता हुआ था भाई, ये इनके भतीजे हैं, ये भाई हैं और ये इनके लड़के भाई जिनको आज इनसे मिलवाया है, ठीक है भाई। और हमारे गुरु जी की प्रेरणा अनुसार ये हम कार्य करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही भाई। ऐसे हमने राजदीप देलवाल को उनके घर आया तो मिलाया भाई, और ये हमें कैसे मिले थे, कहाँ पे मिले थे, ये आपने वीडियो में देखा होगा भाई। भाई इस वीडियो के जरिए हम आप सब भाइयों को एक मैसेज देना चाहूँ, हाँ कि भाई आपने कहीं भी मिल रहा है ऐसा कोई आदमी कितने ही मिल रहा है, तो भाई उस तर रोटी खवाने के साथ साथ उससे पूछने की कोशिश करो भाई, प्यार से ट्रीट करो भाइयों कितना आ रहा है और कैसे आ रहा है, ताकि भाई उनके घर वाले ते वो संपर्क कराया जा सके। अगर आसपास के एरिया में झज्जर रोड तक के आसपास के एरिया में भाई ऐसा कोई भी भाई मिलता है तो भाई मार तक कॉन्टेक्ट कर सके है, हम उनको उनके घर वाले ते मिलानते भाई पूरी कोशिश कराएंगे। ऐसे ही भाई हमने जैसे कि बताया था 15 परिवारों को मिलाया है, 16 माये परिवार था। ऐसे भाई हम अपने डेरे के साथ जुड़े हुए हैं और डेरे के कारण हम ये काम करते हैं भाई। डेरे के हमारे 167 काम चले हुए हैं, हम उनको बढ़ चढ़ कर करते हैं भाई। ऐसे उन 167 कामों में हमारा साथ देने के लिए भाई हमारे को फॉलो कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अपना फ़ोन नंबर मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ भाई, आसपास के एरिए में या कहीं भी ऑल ओवर इंडिया आसपास में तो हम आपको खड़े मिलेंगे। बाकी डेरे के अनुयायी हर एक जगह पे है, ऑल ओवर इंडिया में भी है, बाहर देशों में भी है भाई। जैसी हेल्प होगी भाई हम साथ खड़े हैं, डेरा चसौदा हमेशा साथ खड़ा है, हर एक दुखी के साथ, हर एक दुखी आदमी के साथ। उस दुख की घड़ी में डेरा चसौदा हमेशा आगे रहा है और ऐसे ही रहेगा भाई। वहीं से हमने सब कुछ सीखा है, ये उन्हीं की प्रेरणा पे चलते हुए हम ये काम करते हैं भाई और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे।